आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्रिएट मोड के सर्वाइवल सीरीज को इन माइनक्राफ्ट। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो क्रिएट मोड एक ऐसा मोड है जिसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो जाती है, जिसके हेल्प से हम लोग बहुत सारे मैकेनिकल चीजें बिल्ड कर सकते हैं, लाइक इसमें इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज आ जाती है। तो ये सीरीज बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। फिर ये है क्रिएट मोड का एपिसोड 1, जिसमें हम लोग बिल्ड करेंगे एक बड़े से स्टार्टर हाउस को, जिसको बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना एंड जल्दी से शुरू करते हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं क्रिएट वर्ल्ड में एंड जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मैं नंगा हो चुका हूँ। देख सकते हो कि मेरे हार्ट्स में क्रैक नहीं है, मतलब मैं हार्डकोर में नहीं हूँ, मतलब मैं इस वर्ल्ड में मर सकता हूँ, जो कि मैं बाकी किसी भी वर्ल्ड में नहीं कर पाया था। तो इसमें बहुत ज्यादा फ्रीडम होने वाला है, चाहे तो मैं मर सकता हूँ तो मैं बहुत सारे खतरनाक से प्रोजेक्ट वगैरह को अंजाम दे सकता हूँ। एनीवेज जल्दी से शुरू करते हैं वुड तोड़ने से। अच्छा हुआ कि मैं एक जंगल बायोम में स्पॉन हो चुका हूँ। ओके, इतने वुड काफी है। क्राफ्टिंग टेबल, थोड़े स्टिक्स और अपना वुडन पिकैक्स। फिर चलो एक जमीन के नीचे थोड़े से स्टोन माइंस करो। एंड गाइस, ये देखो ये क्या मिल चुका है मुझे, एंड्रोसाइट। इस वर्ल्ड में इसका वैल्यू आयरन से भी ज्यादा है, तुम लोगों को आगे देखने पर पता चलेगा। खैर अभी थोड़े से टूल्स अपग्रेड कर देते हैं। वुडन पिकेक्स से कितना ही काम चलेगा, स्टोन पिकेक्स, बाकी के टूल्स भी बना देते हैं। एंड जैसे कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर एक खतरनाक सा मैप आ चुका है, जो कि बताएगा कि इसमें कौन से मटेरियल्स वगैरह हैं, क्योंकि थोड़े बहुत मटेरियल्स वगैरह ऐड हुए हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये क्रिएट मोड है तो मटेरियल्स वगैरह तो ऐड होंगे। जैसे कि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कितने सारे नए मटेरियल्स हैं। मैंने इसको लास्ट एक साल पहले खेला था, उसके बाद पता नहीं कितने सारे नए मटेरियल्स ऐड हुए हैं, इसके बारे में बाद में देखते हैं। पहले मुझे अभी एक मटेरियल को देखना था जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सा लग रहा था। ओके, शायद से हैंड क्रैंक कहते हैं इसे, ठीक है, इसको क्राफ्ट करना इतना मुश्किल नहीं है, इससे शायद से मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे एंड्रोसाइट एलॉयस चाहिए होंगे, जो कि क्राफ्ट करने के लिए मुझे थोड़े आयरन चाहिए होंगे, या पहले चलो आयरन को फाइंड करने के लिए। यहाँ पे खाने की कोई कमी होने वाली नहीं है, क्योंकि मैप में तुम लोग देख सकते हो कि बहुत सारे सुअर है, तो इनको ऐसे ही मार सकता हूँ मैं। थोड़े से शीप्स को भी मार देता हूँ, क्योंकि मेरे को सोने के लिए एक बेड भी तो चाहिए। यहाँ पर थोड़े बहुत कुत्ते हैं, लेकिन इनको टेम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास बोन नहीं है, थोड़े हड्डी होते तो हो जाता। ओके, मुझे अभी याद आया कि मुझे आयरन फाइंड करना है, क्या कर रहा हूँ मैं। ओके, वहाँ पर एक रिवेंट पोर्टल दिख रहा है, उसमें कुछ होगा क्या। ये मैंने क्राफ्ट करा एक बोट, चलो देखते हैं। यस गाइस, आयरन नगेट्स हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें 27 ही है। इससे मैं एक पिकेक्स बना सकता हूँ, जिससे मैं एक गोल्ड ब्लॉक को माइन कर सकता हूँ, लेकिन मैं एंड्रोसाइट एलॉयस को क्राफ्ट नहीं कर सकता। खैर बाढ़ में जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बाद में देखते हैं। अब फिलहाल के लिए मुझे एक आयरन पिकेक्स चाहिए, ये रहा, इससे हम लोग एक गोल्ड ब्लॉक को माइन करेंगे। एंड वैसे भी शाम होने वाली है, हम लोग एक बेड भी बना देते हैं और पहली बार हम लोग नेदर में ही सोएंगे। मजाक कर रहा हूँ, ये एक नेदर पोर्टल है, जोक मारा भाई। खैर सो जाते हैं। रुको रुको रुको, मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ जिसपे आप अपने ओपिनियंस देके रियल मनी जीत सकते हो। जी हाँ, विनबस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको सवालों को सिर्फ सही जवाब देना है। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिल जाएंगी स्पोर्ट्स में, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस। वहाँ बस हु विल विन द मैच के ऑप्शन में जाके अपने ओपिनियंस देने हैं। और गेमिंग में जैसे अंदर बाहर, लूडो, एविएटर जैसे गेम्स भी है। यहाँ मिलेगा 24 आवर इजी डिपॉजिट एंड विड्रॉल जब मन चाहे तब, साथ में VVIP कस्टमर सपोर्ट। विनबस देता है 50,000 का ज्वाइनिंग बोनस। कमेंट बॉक्स पिन में मेरा लिंक है, जाओ और रजिस्टर करो और खेलना चालू करो। अब आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं, जब विनबस आपके साथ है वादा है। ओके, अपना डे 1 क्रॉस हो चुका है, मैंने इसमें डे काउंटर डाला है ताकि मुझे पता चले कि कितने दिन सर्वाइव करे। मेरे पास खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़े से खाने को कुक कर दूं, जब तक मैं जाके कुछ एक्सप्लोरेशन भी कर दूंगा। जाकर थोड़ी सी लकड़ी काटते हैं ताकि हम लोग इस फर्नेस के अंदर इसको भर सके। उसके बाद बस आयरन को फाइंड करना ही बाकी रह जाता है, जो कि मुझे नहीं पता कि कैसे मिलेगा, लेकिन शायद से यहाँ पर एक केव वगैरह हो सकता है, क्योंकि इस मैप में मुझे थोड़ा सा ज़ॉम्बी जैसा कुछ दिख रहा है। ओके गाइस, ये रहा आयरन। मेरे पास एक आइडिया है, अगर मैं एक डोर क्राफ्ट कर देता हूँ, देन मैं पानी के अंदर भी सांस ले पाऊंगा। ये देखो भाई, ज़ॉम्बी की आवाज क्यों आ रही है, जाके देखना पड़ेगा। खैर आयरन तो बहुत है भाई, यहाँ पर ज़ॉम्बी की आवाज कहाँ से आ रही है। बाकी शायद से यहाँ पर एक केव है, तो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, थोड़े से कोल भी माइन कर देंगे। ओके, यहाँ पर एक बड़ा सा केव है, मेरा दोस्त भी है। वो कौन सा मटेरियल है भाई, नया सा, वैसे मुझे पता है लास्ट टाइम भी था वो। इस बंदे का क्या करूं, हम लोग एक काम करते हैं, जो मैं अपने मटेरियल्स को यहाँ पे छोड़ के आया था उनको लेके आता हूँ। एक और फर्नेस क्राफ्ट करूँ, इसके अंदर हम लोग जो आयरन मिला है उनको डाल देते हैं। एंड यहाँ पर खाना कुक हो चुका है, थोड़े से पॉक चॉप है उनको भी कुक कर देते हैं। ओके, आयरन मिल रहा है, सबसे पहले मुझे इस वाले चीज को क्राफ्ट करना पड़ेगा। अब मैं क्रीपर से प्रोटेक्टेड हूँ, उसके बाद एक स्वॉर्ड चाहिए, बाकी शायद से एक बकेट काम आएगा बस, और आयरन खत्म हो गया मेरा। अब चलते हैं दोबारा से केव के अंदर, इस बार किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। ओके, शायद से किसी से डरने की जरूरत है, यस मैंने सोचा था। ओके, नीचे चलते हैं धीरे से, डरने की जरूरत नहीं है, स्केलेटन ही तो है, क्या ही कर लेगा, मर गया। यहाँ पे आयरन की कमी नहीं होगी मेरे को, बहुत सारे आयरन है, मैं पूरा आर्मर बना सकता हूँ अभी। ये क्या चीज है, ये देखना पड़ेगा। जिंक, यस जिंक, इसका क्या कर सकते हैं ये भी देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इतना कुछ ज्यादा यूजफुल होगा। चलो धीरे धीरे से आयरन को माइन करते हैं। भाई कैसे शूट कर रहा है यहाँ तक, साले चील की निगाह मेरी। ओके, आयरन के लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे दीवार के हेल्प से नीचे चलते हैं, ज्यादा रिस्क ना लेते हुए स्केलेटन से बचना पड़ेगा। वहाँ पे नहीं जाना, वहाँ पे बहुत सारे मॉब्स है, थोड़ा बहुत जितना आयरन मिलता है उतना माइन करूं। भाई ये कौन आ गया। ओके गाइस, मेरे बहुत सारे आयरन स्मेल्ट हो चुके हैं, तो थोड़े से आयरन आर्मर को क्राफ्ट कर देते हैं। ओके, चेस्ट प्लेट, हेलमेट और बूट्स, फिर चड्डी, फिर थोड़े टूल्स और क्राफ्ट करते हैं। एक शवल, एक और पिकैक्स और एक
एक्स। मेरे को याद आया कि कॉपर वगैरह भी चाहिए होते हैं, तो थोड़े कॉपर भी ले लेते हैं। कॉपर के शीट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं जितना मुझे याद है। तो इसी सब से देखा जाए तो शायद से सारे ही मटेरियल्स जो मिलते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो कि मुझे याद नहीं था। खैर मैं जितना हो सके उतना एंड्रोसाइट लेने की कोशिश करता हूं। बस यहां से चले जाते हैं, मुझे बहुत ज्यादा बोर हो रही है। वैसे भी जिस काम के लिए आया था वो तो हो चुका है, जो कि आयरन। भाई ये केव मुझे बाहर जाने नहीं दे रहा, इतने सारे आयरन कौन देता है। ओके ये कुछ नया सा ब्लॉक है, भाई दिखने में कूल सा है, इससे अपना घर बना सकता हूं मैं। ओके गाइस वो देखो एक स्लाइम। स्लाइम एक्चुअली मुझे चाहिए भाई, एक चीज बनानी है जिसके लिए स्लाइम चाहिए। ये वाला स्लाइम चंक है, बॉल्स मिल जाए बस। यस गाइस स्लाइम्स ने उनका बॉल दिया मुझे। बाकी आयरन देखो भाई कितने सारे हैं यहां। ओके लैपिस लाजुली भी है, चाहिए होगा, जरूरत पड़ सकती है। अपना इन्वेंटरी फुल हो रहा है, कुछ करना पड़ेगा। गाइस ये जो ब्लॉक है ये अपने घर को बिल्ड करने के लिए कितना कूल सा है, एक क्वार्ट्ज जैसे लगता है। अच्छा है भाई ये, अपने घर में इसका यूज करूंगा। ओके यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी है, बाहर चले जाते हैं। बहुत ज्यादा देर तक यहाँ पे रुकना अच्छा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। ऊपर चलो भाई, ऐसे माइन करता रहा तो पूरा दिन निकल जाएगा, बट माइनिंग खत्म नहीं होगा। भाई ये केव कितना खतरनाक सा है, बट अच्छी बात है कि मेरे पास यहाँ पे अपने मिनी मैप के नीचे एक कोऑर्डिनेट्स का मार्क भी है, तो मुझे पता चलेगा कि कौन से लोकेशन पे जाना है अगर मुझे कभी जाना पड़ा तो। बट भाई मेरे को अभी एक विलेज को फाइंड करना है, मेरे को विलेजर्स चाहिए। ओके एक प्लेन्स बायोम है क्या ये? यस गाइस एक प्लेन्स बायोम मिल चुका है, बहुत बढ़िया। और क्या ही चाहिए भाई जिंदगी में, एक बड़ा सा केव भी है। यहाँ पे एक विलेज मिल गया तो खत्म है भाई, और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। भाई यहाँ पे विलेज का नामो निशान नहीं दिख रहा, शायद से मेरे साथ प्रैंक हुआ है। यहीं पर मैं अपना घर बना सकता हूँ, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन भाई अकेले रहने में मजा नहीं आता, विलेजर्स भी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसे कोई विलेज मिलेगा, चारों तरफ जंगल ही है। तो मुझे अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, मेरा मतलब मेरा लोकेशन चेंज करना पड़ेगा। बट वेट मुझे एक चीज याद आई कि मेरे पास एक्चुअली बोन्स है, तो मैं थोड़े से कुत्तों को पाल सकता हूँ। भाई अबे भाई चार ले लिया भाई इसने, इतना गंदा कुत्ता है ये। कोई बात नहीं, किस्मत ही खराब है। यहाँ पर एक नदी मिल चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि नदी के सहारे हम लोग एक लोकेशन को फाइंड करते हैं, एक विलेज को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं एक लंबी सी सफर पर। ओके एक बड़ा सा समंदर तो मिल चुका है, पता नहीं क्यों बट ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो मुझे एक विलेज मिल सकता है यहीं पर। भाई ढूंढते ढूंढते शायद से थोड़ा ज्यादा ही दूर आ गया, अभी तक कुछ मिला नहीं। यस मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ कि मैंने गिव अप नहीं किया। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मुझे विलेजर्स इतने बैडली क्यों चाहिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जो मुझे बाद में डायमंड के आर्मर और टूल्स वगैरह चाहिए होंगे उनको मैं विलेजर से ही ले लूं, तो मुझे डायमंड्स को फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड एक और अच्छी बात यह है कि अभी शाम हो रहा है, तो मैं कर्फ्यू स्टार्ट कर सकता हूं सारे विलेजर्स को प्रोटेक्टेड रखने के लिए, वरना क्या होता है कि ये लोग मुझे देख के भाग जाते हैं। हाँ तुम भी चले जाओ। ओके ये क्या है भाई? ब्लास्ट फर्नेस। ओके इसके अंदर मैं अपने चीजों को डाल सकता हूं। ओके मेरे को लगा कि कुछ गलत हो रहा है। अरे कहाँ जा रहे हो, वेट मेरा बेड ले लो, बट सो जाओ यहीं पर। तो गाइस अपने विलेज में कर्फ्यू जारी हो चुका है, सारे के सारे विलेजर्स प्रोटेक्टेड हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं। वेट शायद से ये बड़ा घर रह चुका है, इसके अंदर बहुत सारे इंटेलिजेंट से लोग रहते होंगे। नहीं खाली है ये। खैर गाइस मेरे घर के लिए मैं ये जो नशा बनाने वाली चीज है इसमें ही अपना घर बना देता हूँ। एक क्राफ्टिंग टेबल रख देंगे, फिर थोड़े से फर्नेस, बाकी मुझे एक और बेड क्राफ्ट करना पड़ेगा। सो जाओ। एंड फाइनली हम लोग एक चेस्ट क्राफ्ट कर देते हैं जिसके अंदर अपने सारी चीजों को रख देंगे। भाई बहुत ज्यादा टाइम से अपने इन्वेंटरी को खाली करने में था मैं, फाइनली हो गया। ओके अभी हम लोग थोड़े से खतरनाक से चीजों को क्राफ्ट कर देंगे, जो कि थोड़े से एलॉयस वगैरह क्राफ्ट करने का मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो थोड़े से नगेट्स बनाओ एंड एंड्रोसाइट एलॉयस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 1.5 स्टैक है। पहले मुझे ये हैंड क्रैंक बनाना था, क्या होगा इससे घुमाने से? कुछ नहीं होता, उसके लिए मैकेनिकल चीजें भी चाहिए। ये क्या है भाई? मेरे को एक्चुअली पेड़ काटने वाली चीज चाहिए, तो पेड़ काटने वाली चीज। ओके मैकेनिकल सॉ। ओके इसको बनाने के लिए आयरन शीट्स चाहिए होते हैं, एंड आयरन शीट्स को बनाने के लिए मुझे एक प्रेस चाहिए होगा, जो कि शायद से मैकेनिकल प्रेस ये वाला है। भाई एक आयरन ब्लॉक चाहिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बनाते हैं। पहले थोड़े से एंड्रोसाइट एलॉयस बनाने पड़ेंगे, जो कि शायद से कैसे बनता है, एंड्रोसाइट केसिंग। ओके स्ट्रिप्ट करना पड़ेगा पहले। ओके स्ट्रिप करना पड़ेगा इनको, अब या काम करेगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी चीज है, हर मशीन को बनाने के लिए ये चाहिए होता है। पहले हम लोगों को एक डिपॉट बनाना पड़ेगा, फिर एक मैकेनिकल प्रेस, मुझे शायद से एक शाफ्ट चाहिए होगा थोड़े बहुत। ये रहा मैकेनिकल प्रेस, इसको यहाँ पर रखो और मैकेनिकल प्रेस को यहाँ पर, नहीं शायद से एक ब्लॉक ऊपर यहाँ पर, और ये घुमाने वाली चीज को यहाँ पे कनेक्ट कर दो। काम करेगा क्या ये? वेट कुछ ना कुछ तो नीचे रखना पड़ेगा, तो ये ऐसे रख देते हैं एंड ऐसे घुमाओ। यस काम कर रहा है। तो कटिंग वाली मशीन कहाँ पर है भाई? यस ये रहा मैकेनिकल सॉ। ये मैं क्यों क्राफ्ट करना चाहता था ये बताता हूँ मैं अभी। अभी तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक पेड़ है, अगर मुझे इसको काटना होगा तो अपने एक्स से काटना पड़ेगा, जो कि ऐसे पूरे चारों काटने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं इस वाले मशीन को यहाँ पे लगा देता हूँ, भाई ऐसे नहीं। ओके अभी ठीक लगा, ऐसे लगाओ और यहाँ पे अपना जो मैकेनिकल हाथ वाला है इसको यहाँ पे लगाओ और घुमाओ, अब देखो क्या होता है।
ये पूरा पेड़ एक सेकंड में कट हो जाता है एंड इसके पत्ते भी कट हो जाते हैं, तो थोड़े से सैपलिंग्स वगैरह भी मिल सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक सी चीज बन जाती है। ये तो छोटा पेड़ था, लेकिन अगर एक बड़ा सा पेड़ होता है तो बहुत ज्यादा काम आने वाला है, जैसे कि स्प्रूस के पेड़ होते हैं। अभी ये बड़ा सा पेड़ है, इसको काट के देखते हैं एंड यहाँ पे लगाओ और घुमाओ। ये देखो एक ही सेकंड में पूरा पेड़ खत्म। भाई इसे कहते हैं इन्वेंशन। वैसे मैंने इसे किसी एक यूट्यूबर के वीडियो में देखा था। कोई मुझे स्प्रूस का जंगल मिल सकता है क्या? ऐसा लगता तो नहीं है। फिलहाल के लिए मैं इन्हीं सारे पेड़ों को काट के खुश हो जाता हूँ, बाद में देखते हैं। वेट, क्या होगा अगर मैं इसके घर को काटने की कोशिश करूं? देखते हैं। ओके, ये जो यहाँ पे जो लाइन था वो खत्म हो चुका है, ये मुझे भी काट सकता है। ओके, यस 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 भाई, डेंजरस है। मेरे को याद है कि यहाँ पे मैंने थोड़े से आयरन डाले थे। यस, हो चुका है मेल्ट, आई मीन स्मेल्ट। रात हो चुकी है, जाके सो जाओ। तो गाइस अपना यहाँ पे जिंक विंक सब कुछ स्मेल्ट हो चुका है एंड मैंने बहुत सारे एंड्रोसाइट केसिंग्स भी बना दिए। नेक्स्ट क्या करूं समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूं, मैं जाके थोड़े से पेड़ तोड़ता हूं, क्योंकि इस वीडियो में मुझे एक घर भी बिल्ड करना है, तो उसके लिए मुझे वुड चाहिए होगा। मैं सिर्फ बड़े पेड़ को तोड़ने वाला हूं, क्योंकि छोटे पेड़ों से मेरा कोई मतलब नहीं है। भाई स्प्रूस वगैरह के पेड़ मिल जाए बस अच्छा हो जाएगा। वेट, मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए जा सकता हूं, स्प्रूस का पेड़ डेफिनेटली मिल जाएगा। मैंने एक्चुअली वहां पे डार्क ओक वाला पेड़ देखा था, वो भी चल जाएगा, वो भी बड़े होते हैं। इस डायरेक्शन में चलते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। ओके, वहां पर एक रिवेंट पोर्टल है, ऐसा कुछ नहीं है जो कि मुझे चाहिए। अगर यहां पे ये नहीं होता तो शायद से मैं इस पोर्टल को कंप्लीट कर पाता ये सारे लावा यूज करके। एक्चुअली अभी मैं जा रहा हूँ एक स्प्रूस वाले पेड़ को फाइंड करने के लिए, थोड़े से सैपलिंग वगैरह लेके आऊंगा एंड अपने घर में ही प्लांट करूंगा। गाइस मैं स्प्रूस वाले पेड़ को ढूंढते ढूंढते इतना दूर आ चुका हूँ, मुझे ये पिंक वाला पेड़ दिख रहा है भाई, जो कि नया है। शायद से ये क्रिएट मोड में पहले से था। एंड ऑल्सो ये आइस वाला बायोम भी है। यहाँ पर ये अजीब सा विलेज क्यों है मुझे नहीं पता, अजीब सा लग रहा है भाई। यार इस वाले पेड़ को भी तोड़ देते हैं, काम आएगा डेकोरेशन वगैरह में। बस इसको भी लेके चलते हैं, इनको बोन मिल कर सकते हैं शायद। ओके, थोड़े बहुत वुड काफी है, सैपलिंग्स हैं, चाहे तो डुप्लीकेट कर सकता हूँ बाद में। बट भाई स्प्रूस वाला पेड़ कहाँ है? ओ भाई ये कैसी जगह है, ऐसा लग रहा है कि पूरा दुनिया खत्म हो रहा है यहाँ पर। बस ये देखो, ऐसा लग रहा है कि ये एज है इस वर्ल्ड का, बट नहीं, ये एक्चुअली एक बस एक माउंटेन है। भाई स्प्रूस मिलेगा कि नहीं? आइस वाला बायोम भी चलेगा, वहां पर भी स्प्रूस वाले पेड़ होते हैं। शायद से मैंने बहुत ज्यादा जल्दी बोल दिया या फिर करेक्ट टाइम में बोला। ओके, इसको तोड़ो एंड सैपलिंग्स मिल जाएंगे। भाई वहां पर एक विलेजर आउटपोस्ट भी है। भाई अभी मर जाता मैं। अबे ये कैसी मजाक है भाई, ऐसे मजाक कौन करता है। स्प्रूस वाले पेड़ मिल चुके हैं, लेकिन ये काफी नहीं है, थोड़े और पेड़ तोड़ता हूँ। गाइस स्प्रूस वाला बायोम फाइनली मिल गया, थोड़े बहुत पेड़ तोड़ के देखते हैं कितना टाइम लगता है। अरे भाई ये तो टूट गया, बट गिरा क्यों नहीं, दोबारा करते हैं ट्राई। ओके, चारों को तोड़ना पड़ता है भाई, ये इतनी अच्छी बात नहीं है। यार कोई नहीं, बहुत सारे वुड तो मिल जाते हैं। ओके, मेरे पास एक आइडिया है, मैं सिर्फ तीन साइड को ऐसे करके तोड़ सकता हूँ, फिर लास्ट वाले को मशीन से तोड़ूंगा, ये बहुत ज्यादा इजी है। तो गाइस एक संकन शिप में मुझे एक डायमंड मिल चुका है। भाई अभी मेरा ऑक्सीजन खत्म होने वाला है एंड थोड़े एमरल्स भी हैं, गोल्ड नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पर एक और चेस्ट, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बटाटों का क्या करूंगा। खैर डायमंड तो मिला, अब मैं एक्चुअली अपने घर की तरफ बढ़ रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे वुड भी है और बहुत सारे सैपलिंग्स भी है। गाइस अपना विलेज तो वापस आ चुका है, बट मेरे पास अभी थोड़े बोन्स हैं, इनसे मैं सोच रहा हूँ कि एक कुत्ते को पाल लूं। ओके यस हो गया, या मुझे इन सारे बोन्स को पेड़ों को ग्रो करने के लिए यूज करना चाहिए था, लेकिन भाड़ में जाए, कुत्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं भाई एक और कुत्ता नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, फॉरेस्ट बायोम में इजीली मिल जाता है, बाद में ढूंढ लूंगा। भाई सारे के सारे विलेजर्स सेफ हैं, लेकिन अपना घर कौन सा था ये याद नहीं आ रहा। भाई किस घर में रहता था मैं? ओके ये वाला, यहाँ पे बैठ जाओ, बाकी थोड़े चेस्ट लगा देते हैं एंड अपनी सारी चीजों को अंदर रख दो। मेरे पास बहुत सारे सैपलिंग्स आ चुके हैं अभी स्प्रूस वाले, अब मैं बहुत सारे पेड़ों को ग्रो करूंगा। एंड भाई अपने कटिंग मशीन के साथ एक अनलिमिटेड वुड वाला फार्म बन जाता है, बट अगर हम लोग कंटिन्यूस लगा देंगे तो क्या होगा। बहुत सारे पेड़ लगा दिए, इनके ग्रो होने का वेट है बस, अपना पेड़ कोई ना कोई ग्रो हो चुका होगा। यस बहुत हुआ है एक्चुअली, अभी मैं पेड़ वगैरह काट कर अपना घर बनाने की कोशिश करूंगा। ओके गाइस जो भी पेड़ वगैरह ग्रो हुए हैं उनको मैं जल्दी से तोड़ देता हूँ। ओके गाइस वुड तो बहुत सारे कलेक्ट हो चुके हैं एंड ये पेड़ तो रुकने का नाम नहीं ले रहे, बार बार ग्रो होते जा रहे हैं, तो वुड की कमी नहीं है। इसलिए अभी मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अपने घर को बिल्ड करना स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं जल्दी से अपना प्लान बता देता हूँ, मैं एक ऐसा घर बिल्ड करना चाहता हूँ जो कि कैसल जैसे दिखना चाहिए, एक्चुअल कैसल नहीं, बस दिखने में वैसा हो तो काफी है। बाकी उसके बाद मैं थोड़े से शीप्स वगैरह को कलर कलर करके उसके अराउंड रखूंगा, जो कि मैंने कुछ वीडियोस वगैरह में देखा था। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने घर को बिल्ड करने के लिए एक लोकेशन फाइंड करने से। यहाँ पर ज्यादा नॉर्मल सी फ्लैट जमीन नहीं है, तो उस तरफ जाना पड़ेगा। गाइस यहाँ पर जमीन तो है लेकिन ज्यादा फ्लैट नहीं है, फ्लैट किया जा सकता है, देखते हैं। बट वहाँ पे मुझे एक और चीज दिखी भाई, वेट वहाँ पे शायद से एक और विलेज है। गाइस यहाँ पर एक और विलेज है, अच्छी बात है, इनको भी बाद में बंदी बना दूंगा लाइक अपने घर में ही। ओके यही पर हम लोग इसको बिल्ड करने वाला है, तो यहाँ पे सेटल हो जाता है। पहले क्राफ्टिंग टेबल, फिर थोड़े से चेस्ट बनाओ, सारे वुड को रख देंगे, एक बेड बस। सबसे पहले हम लोग आउटलाइंस को बनाने से स्टार्ट करेंगे। अपना जो मेन वाला बिल्डिंग होगा वो यहाँ पर होने वाला है, तो थोड़ा सा जमीन के ऊपर ही बनाना ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से मैं ऐसे करके जा सकता हूँ।
तो गाइस फाइनली मैंने अपने बेस का आउटलाइन बना दिया है एंड मैंने सोचा नहीं था बट मैंने इसको एक सर्कल बनाया क्योंकि ये सर्कल कूल लगता है। इसके अंदर अपना कैसल वगैरह बनाऊंगा। बाकी शायद से यहाँ पे मुझे इसको फिल करना पड़ेगा जिसके लिए ऑब्वियसली मैं स्प्रूस वाले प्लैंक को यूज करने वाला हूँ। हर जगह पे स्प्रूस अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे बीच बीच में मैं ग्रास वगैरह लगा दूंगा जिसमें हम लोग शीप वगैरह रखेंगे एंड थोड़ी सी खेती वगैरह करेंगे, अच्छा लगेगा। एंड यहाँ पे जो ये जगह और जमीन के बीच में जो गैप है वहां पर मैं शायद से ओक वाले प्लैंक्स को लगा दूंगा एंड इसके जो लॉक्स हैं ये वाले पेड़ के स्प्रूस के उनको मुझे इसके अराउंड लगाना पड़ेगा। इसका जो है ये स्प्रूस वुड बनाना है, ये वाला जो कि चारों साइड से होता है। यहाँ पर साइड्स में हम लोग स्प्रूस वुड को डालेंगे एंड बीच बीच में हम लोग लॉक्स को डालेंगे ऐसे करके। ओके गाइस तुम लोग देख सकते हो कि ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। इसके बाद यहाँ से लेकर नीचे तक थोड़े से ओक वाले प्लैंक्स लगाऊंगा या फिर बर्च वाले। मैं बर्च वुड को ज्यादा यूज नहीं करता अपने बिल्ड्स में बट शायद से इसके लिए डालना ठीक है ना भाई, इसके प्लैंक्स इतने सुंदर नहीं है। एक सेकंड, मेरे को याद है एक और चीज जो कि सुंदर है, पिंक कलर का, आई मीन पिंक कलर की वुड की बात कर रहा हूँ जो कि मेरे पास है। तो देखते हैं पिंक कलर का वुड मतलब ये वाला वुड। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको लगा दूं रैंडम जगहों पे, ऐसे करके कहीं पर भी लगा दूंगा। जब तक ये ग्रो होता है मैं इन पेड़ों को तोड़ दूंगा। ओके गाइस अपने पिंक वाले पेड़ भी थोड़े बहुत बन चुके हैं, इनको काटना और भी इजी होगा। तो गाइस मेरे पास थोड़े बहुत वुड कलेक्ट हो चुके हैं पिंक कलर के एंड यहाँ पे बहुत सारे पेड़ भी लगा दिए, इनसे मुझे चाहे तो और भी पेड़ मिलते रहेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे इसके नीचे जो है वहाँ पे हम लोग इसको डाल के देखते हैं, इतना बुरा नहीं लगना चाहिए। ओके अंदर से जाके डालते हैं ऐसे करके, भाई अच्छा सा लगता है भाई ये। जो कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर कैसे लगने वाला है, लाइक अच्छा लग रहा है ये। बट गाइस प्रॉब्लम ये है कि अभी मुझे इतना कुछ ज्यादा मजा नहीं आ रहा, लाइक ऐसा लग रहा है कि मैं अटक अटक के चल रहा हूँ क्योंकि एक तो मैंने अपने हार्डकोर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करा हुआ है, तो मेरे पास टूल्स एंड आर्मर वगैरह अच्छे खासे हैं, तो ये आयरन के टूल्स मेरे को जम नहीं रहे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं विलेजर्स की हेल्प लेकर थोड़े से टूल्स वगैरह अपग्रेड करूं। लाइक वैसे भी मेरे पास विलेजर्स है, अगर मैं उनको एमरल्स खिलाऊंगा तो वो कुछ भी दे देंगे। एमरल्स के लिए तुम लोगों को पता है कि मेरे पास बहुत सारे पेड़ हैं, तो पेड़ काटने के लिए उतना कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। फिलहाल के लिए हम लोग अपने बिल्ड को यही पर समाप्त करते हैं और विलेजर से थोड़े से टूल्स एंड आर्मर ले लेते हैं। सबसे पहले मुझे फ्लिंट का इंतजाम करना पड़ेगा फ्लेचिंग टेबल्स को बनाने के लिए। ओके यहाँ पर थोड़े से हैं ग्रेवल, भाई ये बंदा बाहर कैसे निकला। एंड क्राफ्ट करते हैं थोड़े से फ्लेचिंग टेबल्स। यहाँ पर शायद से बंदे हैं, यहाँ पर दो बंदे हैं क्या, एक बंदा लाइब्रेरियन है। ओके बस मुझे यहाँ पे विलेजर्स को ऐसे करके जॉब देना पड़ेगा हर एक घर में जाकर, इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। भाई बंदे जॉब क्यों नहीं ले रहे, जॉब ले रहे हैं। ओके गाइस मैंने थोड़े बहुत विलेजर्स को फ्लेचर्स बना दिए हैं, अभी जाके वुड तोड़ते हैं। ये बंदे मेरे पास वहाँ पर बहुत सारे वुड है लेकिन वो बिल्ड करने के लिए चाहिए। खैर यहाँ से थोड़े से पेड़ तोड़ते हैं। तो गाइस मेरे पास इतने सारे वुड कलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले मैं जितना हो सके उतने एमरल्स कलेक्ट करूंगा। तो गाइस मैंने फाइनली जितने भी वुड थे सारे सेल कर दिए। आई थिंक मैंने 8 विलेजर्स को बनाए हैं फ्लेचिंग टेबल वाले, तो फिलहाल के लिए एमरल्स काफी है। नेक्स्ट मुझे टूल्स के लिए कुछ करना पड़ेगा, डायमंड के टूल्स चाहिए मुझे, उसके लिए टूल्स में चाहिए होता है जो कि मैं इजीली क्राफ्ट कर सकता हूं। ओके ये विलेजर खाली है, इसे बनाओ। इसकी ये क्या है, ड्रिलिंग मशीन, मेरे को स्मिथिंग टेबल चाहिए। अभी ये बंदा कुछ सेल करना स्टार्ट कर देगा बेकार की चीजें, यस अपग्रेड हो जा। ओके आयरन भी लेता है ये, अब जाकर कुछ अच्छे से टूल्स मिल रहे हैं, अच्छी बात है। भाई ये क्या कर दिया मैंने, गलती से मारा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कौन है भाई, हटो यहाँ से। ओके गाइस अभी ये शवल दे रहा है, बहुत बढ़िया, इसकी जरूरत थी मुझे। बट आयरन ये सेम सेल करता रहेगा, ठीक है आयरन थोड़े से नहीं भाई। ओके शवल एक और, भाई गरीब हो जाऊंगा मैं। भाई ये बंदा शूट क्यों नहीं कर रहा, गाइस इसको हुआ क्या है। ओके शूट कर रहा है बंदा, नशे में था शायद, अब उतर चुकी है। दोस्तों मुझे मेरे बाप से बचाओ यार। गाइस हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग थोड़े से आर्मरर को भी बनाते हैं क्योंकि आर्मरर से मुझे सारे के सारे डायमंड आर्मर मिल सकते हैं एंड एमरल्स की तो कमी है नहीं। ओके ये रहा ब्लास्ट फर्नेस, इसके अब से मैं शायद से एक आर्मरर को बना सकता हूँ। यहाँ पर एक बंदा है, इसको आर्मरर बनाते हैं, ठीक है अपग्रेड करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ऐसे करके अपग्रेड करना पड़ता है इनको। भाई ये ज्यादा लेता नहीं कुछ भी शील्ड, भाई ये देखो कितना ज्यादा इजी था ये। डायमंड के दो चीजें हो चुकी है, इनको फेंको। अब दोबारा से मैं शील्ड को खरीद कर इनको अपग्रेड करते रह सकता हूँ, ठीक है ये काम नहीं कर रहा, ठीक है यही खरीदते हैं, यूज नहीं है बट फिर भी। फाइनली ये अपग्रेड हो चुका है एंड ये चेस्ट प्लेट दे रहा है, यस हेलमेट भी। भाई गाइस ये देखो मैं फुल्ली डायमंड आर्मर में कवर हो चुका हूँ, इसके लिए मुझे एक मिनट भी नहीं लगा। नीचे जाके माइन करके डायमंड फाइंड करने से ये बहुत ज्यादा आसान है भाई। खैर शायद से अभी अपना टूल्स में तो थोड़ा सा ठीक हो चुका होगा, लाइक उसके ट्रेड्स रीसेट हो चुके होंगे। ओके इसके ट्रेड्स रीसेट हो चुके हैं एंड ये हो चुका है मैक्स, पिकैक्स दे रहा है बंदा। शायद से एक चीज मैंने मिस करा जो कि है एक्स, बट कोई बात नहीं, एक्स वैसे भी ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि पेड़ तो वैसे भी गिर जाता है जल्दी, तो ठीक ही है। तो गाइस अगर एक वेपन स्मिथ को बनाऊंगा तो शायद से ये वाले प्रॉब्लम को भी मैं फिक्स कर सकता हूँ। मेरा मतलब ये है कि वेपन स्मिथ एक्चुअली एक स्वॉर्ड और एक एक्स देते हैं, तो मेरे पास सारे टूल्स भी हो जाएंगे। ये रहा ग्रैंडस्टोन, अभी एक विलेजर को पकड़ना पड़ेगा, जाकर इस लेक्टन को तोड़ दूं। अभी ये बन जाना चाहिए था, भाई इनको जॉब दे कौन रहा है। ओके शायद से एक बंदे को पता चल चुका है कि उसकी जॉब जा चुकी है, मेरे लिए काम करो। यस निक फ्यूरी बन चुका है, ये सारे एमरल्स खत्म हो गए, कुछ और सोचना पड़ेगा। अब गाइस दोबारा से मैं थोड़े से स्टिक्स को सेल करता हूँ क्योंकि मेरे पास एमरल्स खत्म हो चुके हैं। गाइस मुझे एक्चुअली थोड़े से आयरन माइन करने पड़ेंगे क्योंकि वो विलेज
ब्लेजर सिर्फ आयरन ले रहा है। तो यहाँ पर नीचे जाके थोड़े से आयरन माइन करते हैं। अरे भाई 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 ये कैसी जगह है, यहाँ पर गिरा तो खत्म भाई, मैं 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। बट भाई जगह बहुत सही है, एक्चुअली मेरे घर के नीचे ही है। तो गाइस मेरे पास 3 स्टैक से ज्यादा आयरन कलेक्ट हो चुके हैं, तो ऊपर चलते हैं। इन सर आयरन को जल्दी से स्मेल्ट करने के लिए हम लोग इनको ब्लास्ट फर्नेस में डाल देते हैं। भाई बंदा कहाँ चला गया, ओके यहाँ पर है, मेरे पास अभी आयरन है भाई, ठीक है अपग्रेड हो जा। यस हो गया। एंड यस एक्स सिल्क टच क्यों है भाई इसमें, कोई बात नहीं, आयरन शायद से दोबारा से लेगा ये। खैर एक्स 2-3 और खरीद लेते हैं। एंड या यस ये मैक्स हो चुका है। एंड ये रहा स्वॉर्ड, फाइनली मेरे पास सारे टूल्स हो चुके हैं। ओके ये सर आयरन यहाँ पर स्मेल्ट होने दो, अभी मैं जाके अपने बिल्ड को कंटिन्यू कर सकता हूँ। शायद से मुझे थोड़े से डर्ट माइन करने पड़ेंगे, अभी थोड़े से शवल काम आएंगे। अभी एक हिलाइटर होता तो मजा आ जाता। तो गाइस अभी डर्ट कलेक्टर बनने की बारी है, तो डर्ट कहाँ से माइन करूंगा ये देखना है मेरे को। एंड तुम लोग सोच रहे हो कि डर्ट क्यों चाहिए, यहाँ पे तुम लोग जो टॉप में एरिया देख रहे हो यहाँ पे मुझे बहुत सारे डर्ट और ग्रास लगाने पड़ेंगे। बेसिकली जैसे मैंने बताया मुझे एक शेप फार्म बनाना है जो कि सारे कलर के होंगे, एंड थोड़े से क्रॉप वगैरह भी लगाना है। लाइक मैं जो सोच रहा हूँ उसको बनाने के लिए मुझे यहाँ पे डर्ट चाहिए, मुझे बस डर्ट चाहिए अभी। ठीक है डर्ट का सब कुछ हो चुका है, अभी हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कहां पर इसको लगाना है। तो गाइस अगर यहां से 10 ब्लॉक अंदर पूरी तरह से मैं वुड से कवर कर दूंगा तो उसके ऊपर शायद से मैं ट्रैक्स लगा सकता हूं जहां पर अपने ट्रेन्स चलेंगे। शायद से एक ही ट्रेन होगा, बहुत ज्यादा लंबा बनाऊंगा, ऐसा लगना चाहिए कि आगे और पीछे कनेक्ट हो रहा है, जो कि पॉसिबल है कि नहीं मुझे नहीं पता, देखते हैं। खैर यहां से 10 ब्लॉक अंदर ले जाकर एक सर्कल बनाऊंगा जो कि पूरी तरह से वुड से फिल करना है, उसके अंदर हम लोग डर्ट लगाएंगे। ओके तो ये है 10 ब्लॉक जो कि वाइड इनफ होगा ट्रेन्स के लिए, अभी इसी के सहारे हम लोग एक सर्कल बना देते हैं। तो गाइस फाइनली मैंने ये वाला सर्कल बना दिया है, यहाँ से और बाहर का जो एरिया बनता है वहाँ पर मैं प्लैंक्स को भर दूंगा, बाकी उसके अंदर मुझे एक और सर्कल बनाना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे ग्रास भरना है। लेकिन तुम लोग सोच रहे हो कि मेरे लेवल 42 से लेकर 7 कैसे हुए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं एक एंडरमैन से भागते भागते नीचे गिर के मर गया था, लकीली ये हार्डकोर नहीं है। खैर अभी मैं एक और सर्कल बनाऊंगा जो कि थोड़ी सी और अंदर होगा, यहाँ तक शायद, वहाँ पर अपने जानवर और क्रॉप्स वगैरह लगाएंगे, बाकी उसके अंदर अपना कैसा लाएगा। खैर पता नहीं क्यों यहाँ पे डे काउंटर 0 दिखा रहा है, 33 डेज हो चुके हैं एक्चुअली, ये देखो 34, पता नहीं ये मॉड्स वगैरह डालकर मैंने क्या कर दिया, मेरे डेज ही नहीं दिखा रहे। फिर जो भी अभी मैं अंदर का जो सर्कल है उसको बना देता हूँ, और 20 ब्लॉक्स माइनस करके 30 पर होगा तो अच्छा रहेगा। तो गाइस अंदर वाला सर्कल भी बन चुका है, आई थिंक क्रॉप्स के लिए ज्यादा जगह नहीं चाहिए। पहले ये जो सर्कल का गैप है उसको मुझे वुड से भरना पड़ेगा, एंड ये जो सर्कल का गैप है इसको मुझे डर्ट से भरना पड़ेगा। आई थिंक इसको मैं एक ब्लॉक ऊपर लेके जाने वाला हूँ, आई थिंक यहाँ पे स्लैब्स लगाना बेटर रहेगा, बहुत ज्यादा कम लगने वाला है। एक्चुअली भाड़ में जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास वुड की तो कमी नहीं है, इतने सारे पेड़ लगा रखे हैं मैंने, तो वुड ही लगा दो। तो गाइस मैंने फाइनली यहाँ पे ये वुड भी लगा दिया, एंड यहाँ पे ग्रास भी लगा दिया, यहाँ पे अपना कैसल आएगा। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर मैं शीप सी रखूंगा, तो कैसल कैसे बिल्ड करना है मुझे ज्यादा पता नहीं है, इसके लिए भी मैं स्प्रूस वुड यूज करने वाला हूँ। तो थोड़े से आउटलाइन वगैरह बना देते हैं, नेक्स्ट मैं कैसल को बिल्ड करने वाला हूँ। ओके तो मैंने कुछ फोटोज वगैरह देखे कि कैसल कैसे होता है, तो शायद से उसके हिसाब से बिल्ड करना ठीक है। ओके पहले सेंटर में एक मेन बिल्डिंग आएगा, उसके अराउंड छोटे छोटे से बिल्डिंग जो कि सर्कल का शेप फॉर्म करेगा ऐसे, फिर यहाँ पर एक एंट्रेंस आएगा, चाहे तो साइड में भी एंट्रेंस वगैरह बना सकते हैं। फिर सेंटर में हम लोग एक बक्सा बना देते हैं। गाइस बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है, मैंने एक मॉड इंस्टॉल किया था डेज वगैरह काउंट करने के लिए, उसकी वजह से मेरे सारे डेज रीसेट हो चुके हैं। आई थिंक 42-43 डेज सर्वाइव करे थे मैंने, उस मॉड को निकाल दिया है। खैर जो भी है अब डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग 100 डेज वगैरह खेल नहीं रहे, तो डेज वगैरह उतने मैटर नहीं करते। ओके अंदर से हम लोग 10 ब्लॉक आगे जाएंगे। ओके तो ये एक बक्सा है ये वाला अपने मेन बिल्डिंग के लिए, बट आई थिंक वो थोड़ा सा छोटा रह जाएगा। शायद से छोटा रहने पर इतना कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसके बाहर हम लोग और भी बिल्डिंग के पीसेस वगैरह डालेंगे, फिर भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके ये जो बाहर का स्क्वायर देख रहे हो ये होने वाला है अपना मेन बिल्डिंग, यहाँ पे एक एंट्रेंस आएगा, यहाँ पे साइड में थोड़े से वॉच टावर्स बनाएंगे, एंड पीछे से दो और वॉच टावर जो कि थोड़ा सा लंबा होगा अपने मेन बिल्डिंग से। उसके लिए मुझे वुड चाहिए होगा जो कि मेरे पास खत्म होने वाला है, जाके लेके आना पड़ेगा। उससे पहले आई थिंक मुझे एक और चीज करना है, जैसे मैंने बताया कि मुझे कलर कलर के शीप्स लगाने हैं, तो मुझे बहुत सारे शीप्स चाहिए होंगे। अभी मुझे जाके थोड़े से शीप्स को फाइंड करके उनको ब्रीड करते रहना है बीच बीच में, क्योंकि मुझे बहुत सारे शीप्स चाहिए, बाद में करूंगा तो ज्यादा शीप्स बनेंगे नहीं। अभी शीप्स को फाइंड करने की बारी है भाई, इनको कितना दूर ले जाना पड़ेगा मुझे। आ जाओ एक और नया भेड़ आ चुका है, अजीब सा दिखता है भाई, बट ये फाइनली यहाँ तक आ गए। यहाँ पर थोड़े से फेंसेस लगा देता हूँ एंड इनको ब्रीड कर देते हैं, अभी ये यही पर रहेंगे। शायद से मैंने थोड़े और शीप्स देखे थे, यहाँ पर एक वांडरिंग ट्रेडर है, इससे कुछ मिल सकता है क्या? ये सारी चीजें नहीं चाहिए, बट इसके पास एक लीड होता है जो कि मुझे चाहिए होगा। यस बहुत बढ़िया, अभी शीप्स को लेके आना और इजी हो जाएगा। यहाँ पर शायद से एक और विलेज है, अगर मैं इस विलेज से थोड़े से हे बेल चुराऊंगा तो अच्छा रहेगा। ओके यहाँ पर बहुत सारे शीप्स हैं, आ जाओ अरे शीप भैया आ जाओ। ओके गाइस यहाँ पे शीप्स आ
चुके हैं एंड इनका कलर वगैरह मैटर नहीं करता क्योंकि बाद में वैसे भी मैं अपने मन के हिसाब से इनको कलर करने वाला हूँ। एंड शायद से ये एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, मुझे इसको आधा करके एक साइड में क्रॉप लगा देना चाहिए एंड एक साइड में शीप, तब जाकर अच्छा लगेगा। तो आई थिंक अगर मैं यहाँ पे मिडल में पार्टीशन कर दूंगा, बाहर शीप्स आएंगे अंदर क्रॉप्स, थोड़े और फेंस गेट्स बनाते हैं, आई थिंक पिंक कलर के फेंस गेट्स बेटर लगेंगे। तो देखते हैं कि ये कैसा लगेगा। बेसिकली यहाँ पे जो बॉर्डर है इसको मुझे ये कर देना है, इतना कुछ ज्यादा खास तो नहीं लग रहा बट या इसको बाद में देखते हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ पे मुझे इसको आधा कट करके आधे साइड में क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट करना है। ये पहले मैंने नहीं सोचा था, अभी प्लान चेंज हो चुका है। यहाँ से वहां तक शायद से 20 ब्लॉक्स होंगे, तो 10 ब्लॉक्स आगे चलो, ये 10th ब्लॉक है। सो यहाँ से आगे हम लोग शीप्स रखेंगे एंड यहाँ पर अंदर से क्रॉप्स लगाएंगे तो थोड़ा सा कूल लगेगा। सो अभी यहाँ पे सर्कल बनाना स्टार्ट कर दो इसी लाइन में। तो गाइस यहाँ पर एक सर्कल देख रहे हो, इसके उस तरफ शीप्स आएंगे, इस तरफ क्रॉप्स डालेंगे। बाकी यहाँ पे शीप्स थोड़े बहुत है, ये 1% भी नहीं होगा जितने मुझे चाहिए उससे, इनको ब्रीड करते रहूंगा। अभी ये जो यहाँ पे एरिया बन चुका है इसको क्रॉप्स डालने के लायक बनाना है। तो गाइस थोड़े से हो बना देते हैं, उससे पहले आई थिंक मुझे थोड़े से पानी का इंतजाम करना पड़ेगा क्योंकि इस एरिया को क्रॉप डालने लायक बनाना है। इससे पहले हम लोग बनाते हैं एक इन्फिनिट वाटर सोर्स एंड यहाँ पर बीच बीच में गड्ढे बनाऊंगा जिसके अंदर डाल दो। तो बस यहाँ पे पानी डाल दिया मैंने, अभी हो कर देते हैं। थोड़े बहुत एरियास में बनेंगे नहीं तो उस जगह पे और पानी डालना पड़ेगा। ये अभी मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक तो ब्रेड्स चाहिए बहुत सारे और शिप्स को ब्रीड करने के लिए क्रॉप भी चाहिए होगा, तो इसीलिए सबसे पहले ये कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे क्रॉप्स को प्लांट करने की बारी है, थोड़ा सा ब्रीडिंग कर देता हूँ, सारे क्रॉप्स खत्म। भाई ये क्रॉप्स बिल्कुल भी काफी नहीं है, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रॉप्स लगा देते हैं भाई, बस इतने क्रॉप्स से मैं क्या ही करूंगा। देखो मेरे शिप्स चिल्ला रहे हैं, खैर जो भी है बाद में देखते हैं, ये बाद में बन जाएंगे ज्यादा। मैं नेक्स्ट काम की तरफ बढ़ता हूँ। ये जो अपना कैसल है इसको बिल्ड करने से पहले मुझे डार्क कोड लेके आना चाहिए कहीं से ढूंढ कर, क्योंकि यहाँ पर ये जो फेंसेस है ये सेम कलर के हो रहे हैं। अगर मैं डार्क ओक के लगाऊंगा तो थोड़े से ज्यादा डार्क हो जाएंगे एंड यहाँ पे हाईलाइट होके दिखेंगे, लाइट करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए या डार्क ओक वुड लगाऊंगा यहाँ पर, अच्छा लगेगा। अब डार्क ओक के लिए कहाँ जाना पड़ेगा मुझे नहीं पता, देखते हैं इसी डायरेक्शन में चलते हैं, मिल जाएगा। ये देखो मिल गया, अब एक एक करके थोड़े बहुत पेड़ तोड़ता हूँ, सैपलिंग्स मिल जाए। तो गाइस इतने वुड काफी है एंड मेरे पास बहुत सारे सैपलिंग्स भी है, तो घर जाके पेड़ लगा देंगे। अभी चलते हैं अपने घर। भाई यहाँ पर थोड़े पेड़ लगा देते हैं। ओके थोड़े से डार्क ओक ले लेते हैं, ये बने थोड़े से डार्क ओक फेंस और चाहिए होंगे। ओके अभी ये जो बॉर्डर है यहाँ पर ये लगा दूं, ये थोड़ा सा डार्क है तो उठकर दिखाएगा। मतलब गाइस थोड़े अंदर के साइड में भी हम लोग फेंसेस को डाल देते हैं, ये एक ब्लॉक ऊंचा है। तो गाइस शिप्स के लिए भी चीजें हो चुकी है, अब लास्ट में मेरा सिर्फ एक काम बचता है जो कि है कैसल को बिल्ड करना। बीच बीच में मैं शिप्स को भी ब्रीड करूंगा। खैर कैसल को बिल्ड करने के लिए मुझे स्प्रूस वुड चाहिए होगा, जाके तोड़ देते हैं थोड़े बहुत। तो गाइस थोड़े बहुत स्प्रूस वुड वगैरह मिल चुके हैं, बाकी डार्क ओक वगैरह तो है ही। तो पहले मैं इस कैसल के आउटलाइन को बनाना स्टार्ट कर देता हूं। शायद से इसके बॉर्डर जो होंगे वो डार्क ओक से बनाऊंगा मैं। जो मैंने पहले यहां पे बड़ा सा एक स्क्वायर बनाया था अपने कैसल के लिए, उसी के सहारे बनाएंगे। तो यहां पर ऊपर चलते हैं। तो गाइस ये जो मेन बिल्डिंग है इसका बक्सा तो बना दिया, इसके साइड में मुझे थोड़े टावर्स वगैरह भी चाहिए, उसके भी आउटलाइन को मैं बना दूंगा। गाइस ये जो कैसल बिल्ड करने वाला हूं, मैंने इसका एक आउटलाइन बना दिया है। मुझे पता है कि इसको देखकर तुम लोगों को घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। बेसिकली ये जो पिलर्स वगैरह है वो बिल्डिंग्स हैं। लाइक यहाँ पे एक बक्सा है, इसको फिल करके एक बिल्डिंग बन जाएगा एंड ये बड़ा बक्सा ऐसे ही। तो धीरे धीरे से इनको फिल करके देखते हैं कि कैसा लगेगा। ये सारी चीजें मैंने डार्क ओक वुड से बनाई है। सबसे पहले आएगा यहाँ पर एंट्रेंस, तो अगर यहाँ पे एंट्रेंस आएगा तो ये सारी चीजें निकालना पड़ेगा शायद, इसको निकाल देते हैं। ओके सबसे पहले यहाँ पे थोड़े प्लैंक लगा देते हैं। अभी ये एक ब्लॉक हाई हो चुका है बट कोई बात नहीं, बाकी जमीन से थोड़ा डिफरेंट होगा तो ये अच्छा लगेगा। आई थिंक यहाँ पे थोड़े से प्लैंक्स भर देते हैं, बाद में चाहे तो चेंज कर देंगे। ओके सबसे पहले ये जो है ये एंट्रेंस का पिलर्स है, ये तो ऑब्वियसली बॉर्डर से इसके, इसको हम लोग थोड़े से प्लैंक्स लगाकर ऊंचा कर देते हैं, मतलब बक्सा बना देंगे। तो गाइस ये दो एंट्रेंस के टावर तो बन चुके हैं। अब यहाँ पर एक टावर देख रहे होंगे, सेम वहां पर भी एक है, इनको फिल करना है, सेम इसी तरह फिल करूंगा तो जल्दी से वो कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे दो टावर्स को भी मैंने बना दिए हैं। अभी तो कैसल बिल्कुल भी नहीं लग रहा बट क्या थोड़े बहुत कुछ ना कुछ तो दिख रहा है। ये जो मेन बिल्डिंग है इसको फिल करना पड़ेगा, तो आई थिंक नेक्स्ट उसी को देखना बेटर है। पहले ये जो मेन बिल्डिंग है इसका फ्रेम बना देते हैं, फिर यहाँ पे मुझे वॉल्स भी बनाना है, तो या पहले मैं इसको भर देता हूँ अपने मेन बिल्डिंग को। तो गाइस अपना मेन बिल्डिंग बन चुका है, इसके बाद लास्ट शायद से पीछे थोड़े से टावर्स वगैरह बनाना है। बट यहाँ पर टावर बनाने से पहले शायद से एक ऐसा बड़ा सा दीवार जाएगा जो कि डार्क ओक का होगा, ऐसे यहाँ पर जो आउटलाइन देख रहे हो इतना ऊंचा नहीं होगा वो। अभी आप बहुत सारे डार्क ओक के वुड लगाने पड़ेंगे मेरे को, तो जल्दी से लगा देता हूँ। यहाँ पर पीछे मैंने एक एरिया बनाया ऐसे करके, देन पीछे थोड़े से टावर्स बनाने थे इसलिए इसी के ऊपर बनाना स्टार्ट कर दिया। वही सेम चीज, चार पिलर्स बनाना, लेकिन ये बहुत ज्यादा लंबे होंगे, फिर एक दूसरे को कनेक्ट करना ऐसे करके, बेसिकली मार्कआउट करना ये बॉक्स कितना बड़ा होगा, फिर यहाँ से ऊपर से नीचे कूद जाओ एंड दोबारा से ऊपर चले जाओ, ऐसे करके पिलर्स बनाना इसका। ऐसे मैंने दो तीन और टावर्स के फ्रेम बनाए एंड अभी ये दिखने में कुछ ऐसा लग रहा था, जैसे कि तुम लोग पीछे में देख सकते हो तीन और टावर्स आ चुके हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा लंबे हैं। अभी ये दिखने में थोड़े से सिटी होकर एक बिल्डिंग जैसे लग रहे हैं। एक और चीज, मैंने बीच बीच में बहुत सारे शिप्स
वगैरह ब्रीड करे हैं तो देख सकते हो कितने सारे शीप्स बन चुके हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया ये कलर कलर के नहीं है, बस व्हाइट और ग्रे वगैरह है। इनको हम लोग बाद में कलर कर देंगे। डाइस वगैरह फाइंड करना इतना मुश्किल नहीं होता, इनको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। उसके लायक मुझे थोड़े से शीप्स तो चाहिए होंगे। यहाँ पर एक वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हो चुका था जो कि मुझे ग्रीन कलर का डाई दे रहा था। शीप्स को कलर करने के लिए ग्रीन कलर का डाई चाहिए होता है, वो भी ये तीन कलर्स बनाने के लिए। सो इसलिए मैंने थोड़े से डाइस ले लिए, थोड़े से स्लाइम बॉल्स भी खरीदे, थोड़े से ऑरेंज कलर के डाई भी खरीदे। स्लाइम बॉल्स हम लोग इस वाले अमाउंट में बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। खैर यहाँ से थोड़े से फ्लावर्स वगैरह तोड़ने स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया मुझे अपने शिप्स को डाई करना है। सारे कलर के फ्लावर चाहिए होंगे, येलो कलर के फ्लावर्स, रेड कलर के, ब्लू कलर के। सिर्फ इतने से कलर को कलेक्ट करके मैंने सारे के सारे डाई बना दिए जो कलर में होते हैं, सिवाय एक कलर के जो कि है ब्राउन। ब्राउन कलर को बनाने के लिए मुझे कोको बीन्स चाहिए होगा जो कि सिर्फ एक जंगल बायोम में मिलता है, एंड यहाँ पर आसपास कहीं पर भी जंगल बायोम नहीं है। तो उसके बाद मैंने 2-3 घंटे ऐसे ही एक जंगल बायोम को फाइंड करने में गुजार दिया, एंड फाइनली जाकर ये रहा एक जंगल बायोम। बहुत ज्यादा टाइम लगा इसको फाइंड करने में, एंड ये रहा कोको बीन्स। इतने दूर आकर मैं इसको माइन भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे माइनिंग फटीग लग चुका है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर एक गाय तो है, दूध पी लेते हैं। अब इसको तोड़ सकते हैं, थोड़े बहुत कलेक्ट कर देता हूँ, क्या पता सुबह सुबह कॉफी बनाने में काम आ जाए। क्या जोक मारा भाई। थोड़े बहुत पेड़ भी तोड़ना स्टार्ट कर दिए क्योंकि ये बायोम बहुत ज्यादा दूर है, तो अगर मुझे पेड़ वगैरह चाहिए होगा तो दोबारा से यहाँ पे नहीं आने वाला मैं। थोड़े से बेम्बू वगैरह भी तोड़ दिए, फिर मैं घर वापस चला गया। घर जाकर अब मेरे पास सारे के सारे डाइस कलेक्ट हो चुके थे। इनको डाई करने से पहले सबसे पहले इनको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, तो इनको डिवाइड करना पड़ेगा 16 कॉलम्स में, क्योंकि माइनक्राफ्ट में उतने कलर्स होते हैं वूल वगैरह में या फिर बताएं तो शीप्स के। तो यहाँ पर मुझे 16 डिविजन्स करने पड़ेंगे, एंड सारे डिविजन में इक्वल शीप्स डालने पड़ेंगे। बाकी तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़े कम शीप है एंड यहाँ पर थोड़े ज्यादा शीप है, तो इसलिए हम लोग इनको थोड़ी सी क्रॉप से लालच देकर थोड़े से स्कैटर करेंगे ताकि ये थोड़े ज्यादा इवनली डिवाइड हो जाए पूरे सर्कल में, जो भी सेंस बनता है इसका। ओके, इनको मैंने थोड़े स्कैटर कर दिया है, तो अब हम लोग यहाँ पे 16 डिविजन्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस मैंने फाइनली यहाँ पे 16 के 16 डिविजन्स बना दिए हैं, एंड ये बहुत ज्यादा इवन सा लग रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अब इन सारे शिप्स को मुझे दोबारा से ठीक करना पड़ेगा क्योंकि थोड़े में कम है और थोड़े में ज्यादा है। इससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट मेरे पास जितने डाई है एटलीस्ट उतने शिप तो होने चाहिए क्योंकि मैंने थोड़े बहुत डाई वगैरह कलेक्ट करके रखे हैं। अभी गाइस इन सारे डाइस को हम लोग यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़े से जंगल के सैपलिंग भी है, इनको भी लगा दूंगा, एंड थोड़े से बंबू। अब इनको कलर करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं कलर व्हील के हिसाब से कलर करूंगा। यहाँ पर तुम लोग थोड़े बहुत कलर्स देख रहे होंगे, इनको कलर व्हील के हिसाब से हम लोग कलर करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर मैंने इनको कलर करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर पहले तो मैंने ग्रे करना स्टार्ट कर दिया, फिर इनको ब्रीड करा ब्राउन कलर, फिर ब्लैक, देन लाइट ग्रे कलर। व्हाइट कलर के शीप्स को कलर करने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी शेड्स से लेकर वाइब्रेंट कलर्स होने का टाइम आ चुका है। तो पहले पिंक, फिर मैजेंटा, उसके बाद आएगा पर्पल, पर्पल के बाद ब्लू, फिर लाइट ब्लू, उसके बाद सियान, रेड कलर, देन ऑरेंज, यहाँ पर येलो, फिर ग्रीन, लास्ट में बचता है सिर्फ डार्क ग्रीन कलर। ऐसे करके मैंने सारे कलर्स बना दिए हैं। यहाँ से लेकर कलर्स इस तरफ को जाएंगे, एंड जो शेड्स हैं व्हाइट से लेकर ब्लैक तक वो अपने बिल्डिंग के पीछे रहेंगे क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वाइब्रेंट कलर्स इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो सेपरेट हो चुके हैं, तो अगर मैं इनको ब्रीड वगैरह करूंगा तो उसी कलर के हिसाब से रहेंगे। तो ये सारे जो क्रॉप्स ग्रो हुए हैं उनको यूज करने का टाइम आ चुका है। फिर मैंने बहुत ज्यादा हार्वेस्टिंग वगैरह करा। तो गाइस देख सकते हो कि शीप्स हम लोगों को कितने और चाहिए, बहुत सारी चाहिए भाई। तो इनको मुझे बीच बीच में ब्रीड करते रहना पड़ेगा। एक्चुअली बात ये है कि अगर मैं यहाँ से लेकर ब्रीडिंग करते हुए जाऊंगा ऐसे करके, तो जब तक मैं यहाँ पे वापस आऊंगा तो दोबारा से ये लोग ब्रीडिंग के लिए रेडी हो जाएंगे, तो मैं ये सर्कल कंटिन्यू करते रह सकता हूँ एंड इनकी पॉपुलेशन बढ़ाते रह सकता हूँ। क्रॉप्स की तो कमी मेरे पास है नहीं, और यहाँ पे मैंने जंप करने के लिए कुछ वूल वगैरह लगा रखे हैं ताकि मैं एक चेंबर से दूसरे चेंबर तक जंप कर सकूं। बाकी आई थिंक अपने कैसल को बिल्ड करना कंटिन्यू करना बेटर रहेगा, मेरे को जल्दी से ये कंप्लीट करना है भाई। ऑलमोस्ट इस वर्ल्ड में 100 डेज होने को आ चुके हैं, 100 डेज खत्म होने से पहले करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे डे 41 हो चुका है, प्लस 50 डेज हम लोगों ने पहले सर्वाइव किया था जो कि दोबारा से जीरो हो चुका था। इन सब में जाकर अपने कैसल को बिल्ड करना कंटिन्यू करता हूँ। ये देखो कितने सारे वुड है अभी मेरे पास, इनको लगाना स्टार्ट कर देते हैं। पहले मैं पीछे जो टावर्स बनाए थे लंबे से उन पे लगा देता हूँ, बेसिकली उनके दीवार बनाने हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पे बहुत सारे शिप्स वगैरह बन चुके थे, एंड टावर्स वगैरह देख सकते हो थोड़े से बाहर निकले हुए हैं, बस इसका एंड रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, लास्ट में अजीब सा ना लगे भाई। अभी यहाँ पे बहुत सारे जमीन वगैरह दिख रही है, तो इसको फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखो इतना बड़ा गैप है, इसको फिल कर देते हैं दीवार बनाकर। यहाँ पे मुझे थोड़े डर्ट डालने पड़ेंगे। तो गाइस यहाँ पर मैंने ग्रास लगा दिए हैं, इसको स्प्रेड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, एंड शिप्स की वजह से बहुत ज्यादा लैग कर रहा है भाई, शायद से इनको मारना पड़ेगा। अभी हमारा बिल्डिंग्स वगैरह बन चुका है, ऐसा लग रहा है कि कोई शहर हो, लेकिन इसको कैसल जैसे दिखाने के लिए इसके ऊपर मुझे थोड़े छत वगैरह बनाने पड़ेंगे, तो उसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग ये मेन वाला छत बना देते हैं, तो ऊपर चलने के लिए ऐसे चलना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ से शीप्स वगैरह अच्छे से लग रहे हैं, या थोड़े से कम है यहाँ पर वगैरह, बट ऑलरेडी बहुत ज्यादा लैग कर रहा है, तो दोबारा से ब्रीड नहीं करने वाला मैं। खैर यहाँ से तुम लोग सारे बिल्डिंग्स को देख पा रहे होगे, ये एक्चुअली टावर्स है डिफरेंट डिफरेंट जो कि कैसल में होंगे एक दूसरे से कनेक्टेड। खैर यहाँ पर एक नॉर्मल सा छत आएगा जो कि एक घर में होता ही है, तो जल्दी से इसको बना देता हूँ या बाद में देखते हैं कि कैसा लगेगा। छत को मैंने डार्क ओक वुड से बनाना स्टार्ट कर दिया।
दिया डार्क एक्सेंट के लिए। इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं है। ये थोड़ा सा फ्लैट होकर ऊंचाई की तरफ जाता है, लाइक एक कर्व होके माउंटेन की तरह। ये ऐसे लगने वाला है। यहाँ पर पीछे से मैंने एक टावर बनाया छोटा सा जंगल वुड की हेल्प से। अजीब से लग तो रहा था बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट एक्सेंट लगेगा। फिर बाकी के टावर्स में भी ऊपर से छत बनाना स्टार्ट कर दिया, जो कि छत नहीं होगा, वो एक टाइप वॉच टावर जैसे होगा। लाइक हम लोग यहाँ पे ऊपर से देख सकते हैं अपने पूरे शहर को, देख सकते हो। सबसे पहले मुझे इस टावर को फिल कर देना है ऊपर से, देन इसके एक बॉर्डर बनाना है डार्क ओक वुड से। उसके बाद ऊपर गैप गैप में ऐसे करके डार्क ओक वुड लगा देना है। थोड़े से ज़ॉम्बीज वगैरह भी मारने पड़ेंगे क्योंकि अभी मैंने छत बना दिया है तो अंदर बहुत ज्यादा डार्कनेस होगा, तो ये सारे बाहर आ जाता है। यहाँ पर हम लोग एक शार्प सा छत बनाएंगे लाइक सेंटर की तरफ जाता हुआ। पहले ऐसे छत बनाना स्टार्ट कर दो नॉर्मल सा, उसके बाद अंदर अंदर की तरफ पॉइंटी होते चले जाएगा ये। पहले हम लोग स्लैब्स लगाने से स्टार्ट करेंगे, फिर स्टेयर्स लगाएंगे, उसके बाद ऊपर ऊपर ब्लॉक्स लगा देंगे। सेम चीज इस साइड में भी, ये सेम उसको ऑपोजिट टावर है। फिर यहाँ पर एक बिल्डिंग को मैंने सोचा कि हम लोग जंगल वुड से कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे वुड ऑप्शन थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये भी लगा दिया जाए। इसमें कुछ और टावर्स का जो ये रेलिंग्स आने वाला है उसका डिजाइन भी चेकआउट कर रहा था। सारे टावर्स के छत वगैरह बनाने के बाद मैंने इस कैसल की दीवार को बनाना स्टार्ट कर दिया, जो कि बेसिकली यहाँ पे जो आउटलाइन है उसको ऊपर तक लेके जाना है, जो कि स्प्रूस वुड से होगा एंड इसके टॉप में आएगा थोड़े से डार्क ओक वुड से एक बॉर्डर जैसा। वॉल्स के अंदर छोटे छोटे टावर्स वगैरह बनाए थोड़ी सी एस्थेटिक्स के लिए, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला। उसके बाद मुझे याद आया क्रिएट मोड में हम लोग थोड़े से गेयर वगैरह क्राफ्ट कर सकते हैं, मतलब ये वाटर व्हील वगैरह, जिसका काम तो एनर्जी पैदा करना है लेकिन हम लोग इसको एस्थेटिक पर्पस के लिए यूज करेंगे, तो इसको हम लोग कहीं पर लगा देते हैं। यस, मैंने इसको आगे टावर के अंदर वगैरह फिट करना स्टार्ट कर दिया रैंडम जगहों पे। ये बड़ा सा कॉग व्हील ऐसा लग रहा था कि हम लोग बहुत ज्यादा टेक्निकल सी इंजीनियरिंग वगैरह यूज करते हैं अपने कैसल में। मैंने ये रहे थोड़े छोटे वाटर व्हील वगैरह जो कि मैंने लगाए थे। ये बड़े व्हील जितना दिखता नहीं है बट कोई नहीं, कुछ ना कुछ तो एस्थेटिक ऐड करेगा। एंड भाई अभी ये कुछ ओवर सा लग रहा है, बहुत ज्यादा हो गया ये। तो गाइस फाइनली मैंने अपने कैसल को बिल्ड कर दिया है एंड ये रहा, बहुत ज्यादा सुंदर। भाई ये गंदा सा लग रहा है। यस, अभी देखो कितना ज्यादा ऑसम सा लग रहा है ये। या मुझे पता है कि बहुत सारे डिटेल्स वगैरह नहीं है जैसे विंडोज वगैरह, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी 100 डेज स्पेंड कर दिए हैं इतने सारे चीजों को बिल्ड करने में। इसको हम लोग किसी और वीडियो में अपग्रेड कर देंगे। बाकी देख सकते हो कि थोड़े बहुत गियर वगैरह लगा दिए हैं ताकि ये थोड़ा सा कूल सा लगे। इससे ज्यादा कुछ यूज नहीं होगा क्योंकि ये घूम नहीं रहा, बट या जैसे मैंने बताया किसी और वीडियो में हम लोग इसको घुमा भी देंगे। बाकी ये शीप्स वगैरह बहुत ज्यादा ऑसम से लग रहे हैं भाई। ओके गाइस, पास से देख सकते हो कि कितने सारे गियर्स वगैरह लगा दिए हैं, इससे थोड़ा सा कूल लगेगा, ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ चल रहा है अपनी जिंदगी में, बट ये घूमते भी नहीं है। चाहे तो मैं बहुत ज्यादा ऑसम से ये लाइक घुमा सकता हूँ, बट भाई उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होगा जो कि मेरे पास नहीं है। मैंने ऑलरेडी इसमें 100 डेज से ज्यादा स्पेंड कर दिया है और मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। तो अभी मैं तुम लोगों को इसका इंटीरियर दिखाऊंगा। ये रहा, बहुत ज्यादा सुंदर। यस, इसके इंटीरियर को भी मैंने बिल्ड नहीं किया, जैसे मैंने बताया मैंने ऑलरेडी इसमें 100 डेज स्पेंड कर दिए हैं एंड दोबारा से इसके इंटीरियर वगैरह बिल्ड करूंगा तो दोबारा से मुझे 100 डेज स्पेंड करने पड़ेंगे, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए या इसके इंटीरियर को हम लोग किसी और वीडियो में बिल्ड करेंगे एंड एक्सटीरियर को भी हम लोग बहुत ज्यादा मैकेनिकल बना देंगे एंड सीक्रेट दरवाजे वगैरह बनाएंगे यहाँ पर अंदर वगैरह जाने के लिए, बहुत ज्यादा ऑसम से रहेगा। ये जो तुम लोग ब्रिज देख रहे हो इसको भी हम लोग मैकेनिकल बना देंगे, एक बटन दबाऊंगा तो ये ऊपर आ जाएगा ऐसे एंड नीचे भी चला जाएगा। लाइक बहुत सारे आइडियाज है मेरे पास बट इस वीडियो में नहीं। भाई इतना गंदा लैग कर रहा है ये, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो गाइस ये रहा अपना कैसल एंड बहुत ज्यादा ऑसम से लग रहा है। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली ऑसम से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।